वाल्मीकि नेता पर हुए हमले को लेकर वाल्मीकि समाज में रोष। वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों में दी कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी। वाल्मीकि समाज पर हो रहे लगातार हमलों के चलते वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। कुछ समय पहले वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता लल्ला बाबू द्रविड़ पर कुछ लोगों ने जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क पर आकर जानलेवा हमला बोल दिया था। हमला होता देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो हमलावर मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और गाड़ी की तलाशी लेते हुए उसमें रखे लोहे के डंडे पाइप आदि को लेते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवाया। भावादस के राष्ट्रीय मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़ पर हुए जानलेवा हमले की नामदर्ज तहरीर सिविल लाइन पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और न ही कोई FIR दर्ज की, जिसको लेकर आज जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठन ने मिलकर एक बैठक आयोजित की और बैठक में लल्ला बाबू द्रविड़ पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए सरकार को दलित विरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि लल्ला बाबू द्रविड़ काफी लंबे समय से वाल्मीकि समाज के हितों के लिए कार्य करते आ रहे हैं, जिसको लेकर चोर समाज के लोगों में उनके प्रति द्वेष की भावना देखी जा रही थी। पुलिस द्वारा दिया गया समय भी अब समाप्त हो गया है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। अगर लल्ला बाबू द्रविड़ पर हुए हमले के आरोपियों को पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन व प्रशासन की होगी। बैठक में मुख्य रूप से रवि द्रविड़, राजेंद्र वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, विक्की बादशाह, रोहित वाल्मीकि, सुरेंद्र कुमार, विशाल सरन, गौरव वाल्मीकि, नवदीप वाल्मीकि आदि वाल्मीकि नेता, वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। ये कल की घटना है, परसों की। हमारे जो प्रधान जी हैं लल्ला बाबू द्रविड़ जी, जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के उच्च निदेशक हैं, उनके साथ एक घटना भटावली के कुछ लोगों द्वारा की गई है, जिनकी FIR तहरीर बाई नाम दी गई है। और वो अनेकों, क्योंकि उस क्षेत्र में सुपरवाइजर भी रहे हैं वो पहले कभी, तो वो वहाँ के सब गतिविधियों से प्रभावित हैं। वहाँ के हमारे समाज के कई जाति के लोग रहते हैं, उनका भी लगातार उत्पीड़न करते आए। एक कभी सोमपाल नाम का एक कर्मचारी था, उस लोगों का इन लोगों ने मर्डर कर दिया था। तो ये आप हमारे प्रधान जी जो हैं लल्ला बाबू द्रविड़ जी, उस केस में भी इन्होंने पैरवी की और उनको गिरफ्तारी कराई थी, क्योंकि जो वो पीड़ित परिवार था सोमपाल का, वो बहुत बेचारा कमजोर था, वो दमंग किस्म के लोग थे जो मारने वाले थे, तो इन्हीं के परिवार से थे, उन्होंने जो था इनकी पैरवी करते रहते हैं। और समाज में जहाँ कहीं भी दबा कुचला हमारा समाज है, कहीं भी कोई जाति होती है तो आप संगठन चलाते हैं, तो संगठन के माध्यम से और अपने माध्यम से उस अपनी मांगों को रख के, अपनी बात को रख के, समाज की बात को रख के थाने कचहरी मतलब जाते आते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इसी चीज़ से इन लोगों को चिढ़ है कि ये, और ये लोग खनन माफिया भी हैं, खनन का काम भी करते हैं, कि इनके पास जो है रिक्शा यूनियन के लोग भी आते रहते हैं, गरीब किस्म के लोग आते रहते हैं अपनी मदद के लिए। तो इस क्षेत्र के बहुमूल्य क्षेत्र के लोग हैं ये, तो ये खनन के लोग, टेम्पू ड्राइवर लोग भी प्रधान जी के पास आए थे। घटना जानना चाहेंगे, घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी, यहाँ पर आए थे वो लोग और आकर वही उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि तुम जो इसमें कंप्रोमाइज फैसला उतना कराओ, आए दिन तुम जो अपने समाज के लिए आते रहते हो, लड़ते रहते हो, तुम समाज में दमंग हो। तो चार छह लोग अपने आए थे उस गाड़ी में, और उस गाड़ी में उनके सब हथियार बतियार भी थे और स्कॉर्पियो थी, और हमारे कुछ समाज के लोग यहाँ बैठे थे, कुछ दुकानदार थे। तो जब उन्होंने देखा वाला कि वो लोग भी हमारे आ गए थे, तो वो गाड़ी छोड़कर अपनी यहीं भाग गए थे, जो कि गाड़ी सिविल लाइन में जब्त है। मारपीट भी की गई थी? मारपीट की गई, उनके साथ मारपीट गई, उन्होंने अपना तहरीर थाने में दे दिए, नाक पे चोट वोट भी लगी है, घोसा वोसा भी लगा है, इस संबंध में चोट लगी है, इस संबंध में थाने पर तहरीर दे दी गई थी, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब यही सोचने का बिंदु है कि हमारे कर्मचारियों के साथ या वाल्मीकि समाज के साथ कहीं भी कोई घटना हो जाती है, पता नहीं ऐसी क्या वजह है सरकार की, क्या मंशा है इन अधिकारियों की, जब तक हम कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में मजबूर ना हो जाएं, सड़कों पर ना हो जाएं, उनकी जो है FIR ही दर्ज नहीं होती। यानी FIR तो होनी अलग बात है, FIR होनी तो अलग बात है, उसकी जांच भी नहीं होती। तो आज जो हम उसी में रोष है, हमारे समाज के अंदर बहुत रोष है कि क्यों नहीं उसमें जांच हो रही, और जो मुलजिम भाई नेम है, गाड़ी उनके पास है, उस गाड़ियों में लाठी डंडे सब पड़े हैं, बिल्कुल दिख रहा है कि हमला करने आए थे, हमला करा भी, तो पुलिस जो है क्यों उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, ये तो पुलिस को ही जाने कि वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। तो इसके लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं, अगर इसके अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करने जाएंगे, जैसे कि हमारे
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि मत तुम धरना करो, मत तुम प्रदर्शन करो, ये कौम मेरी समाज ऐसा है, अगर 10 दिन अपने घर में बैठ गया तो देश का मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी आपके पास आ जाएगा। तो हमने ऐसा लग रहा कि हमें 7-10 दिन अब घर में बैठना पड़ेगा जब इन लोगों की गिरफ्तारियां होगी और इनके खिलाफ FIR दर्ज। हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित भावादस के मुख्य संचालक वीरोत्तम लल्ला बाबू द्रवण जी पर जो जानलेवा हमला हुआ उसकी FIR अभी तक नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज में बहुत रोष है और प्रदेश के अंदर भी वाल्मीकि समाज का शासन द्वारा और उच्च वर्ग द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। तमाम अनेक घटनाएं इस सरकार के बीच में हो रही हैं लेकिन सरकार ने हमारे लोगों को दबाने का काम करा है जबकि इस समाज ने इस सरकार को बहुत सपोर्ट किया। हमलावर अपनी कार छोड़कर भागे हैं, कार सब पुलिस को मुहैया करा दी गई है, FIR अभी तक नहीं हुई है और पूरे समाज के अंदर तमाम हमारे वाल्मीकि लीडर हैं क्योंकि हमारे विधायक शहर में नहीं है, MP शहर में नहीं है, हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं MP वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमारी FIR जो हमारे प्रधान जी के ऊपर हमला हुआ उसकी FIR होनी चाहिए और इसके लिए अगर ये FIR प्रशासन नहीं करता, उनको पैरोकारी करता है, उन्हें बचाता है आरोपियों को, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन की रणनीति तैयार करी जाएगी जिसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या वजह रही जो वाल्मीकि नेता के इतने बड़ा मारपीट की गई उसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है? आप कई तरह से उत्पीड़नों की आवाज़ उठाते हैं और कई मामलों में इनके पहले भी इनसे थोड़ा बहुत इनसे रंजिश रही होगी क्योंकि ये सम्मानित व्यक्ति हैं, छोटी छोटी बातों को आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ के कारण लोग इनसे कलसते हैं और इन पर दबाव इन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं जो हमारा वाल्मीकि समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, वजह सवाल ये है कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया आरोपी के खिलाफ? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस पे कोई भी FIR आए तो उसकी एक आध दिन देखभाल करके तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए। जब आपके पास आरोपी आता है, कोई मुलजिम आता है तो आप 24 घंटे के अंदर उसका चालान करते हो। FIR की प्रक्रिया यही है कि आपके अंदर कुछ घंटे में आपने देखा, मौके पे मुआयना किया, आपको जो है तुरंत FIR करनी चाहिए। ये तो पुलिस का विवेक का अधिकार है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, किस तरह का आक्रोश है वाल्मीकि समाज में आज? वाल्मीकि समाज में बहुत आक्रोश है और जबरदस्त तरीके से आक्रोश है, पूरी तरह चिंगारी की तरह आवाज़ जा रही है ये समाज में कि हमारे सम्मानित व्यक्ति हमारे वीरोत्तम प्रधान जी लल्ला बाबू द्रवण पर जो वो हमला हुआ है और इसका समाज में युवाओं में भी बहुत गुस्सा है। प्रशासन अगर सुनेगा तो बड़े सड़कों पर वाल्मीकि समाज उतरेगा। हमारी ऐसी सरकार से उम्मीद है कि हमारी FIR दर्ज की जाए।